हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी। आज हम देखेंगे नन्ना मुन्ना राही हूँ। लास्ट टाइम हमने गाया था ये गीत। ये कविता का अर्थ ये है बच्चों कि इस गीत के कवि शकील बदायूनी है और इस गीत में एक बाल सैनिक भारत देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर क्वेश्चन में आपको पूछा कि क्या भावना है बच्चे की, क्यों ये गाना गाया, ऐसे ही गाया है, नहीं तो इनमें इतना देश प्रिय प्रेम का जज्बा है इसीलिए उन्होंने ये गीत गाया है। और इन्होंने लिखा है तो आपको लिखना है शकील बदायूनी। ओके, ये नन्ना मुन्ना राही है और ये इन कह रहा है कि मैं देश का सिपाही हूँ, ना मेरे मम्मी डैडी का हूँ ना मैं किसी का, बट मैं देश का सिपाही हूँ। तो सोचो कि उनमें कितना बड़ा जज्बा है, वो देश को आगे लाने की बात कर रहा है छोटा सा बच्चा, और ये भावनाएं किसी ने उनको बताई नहीं, अंदर से उनको आई है, अंदर से इनका सर्जन हुआ है। मैं एक छोटा सा राही मुसाफिर हूँ और देशभक्ति उनमें कूट कूट के भरी है और रास्ते में चल रहा हूँ। छोटे होने के बावजूद भी मैं इस देश का एक सिपाही हूँ, रखवाला हूँ। तो जैसे छोटी छोटी बात, ऐसे नहीं है कि बच्चों हम अगर देश के सेना में भर्ती हो जाएंगे तो हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, मर मिटने की भावना रख रहे हैं। हम तो अगर कोई कचरा फेंक रहा है, कूड़ा कचरा रास्ते में फेंक रहा है, तो भी अगर उनको हम मना करते हैं तो भी हम देश के लिए छोटे छोटे वे में हेल्प कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाइए। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इस मैं देशभक्ति के इस रास्ते पर डगर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे किस इसके लिए कितने भी कष्ट सहन करने पड़े। तो ये कभी मैं नहीं डगर नहीं चलूँगा, ठीक है, वो कह रहे इस रास्ते पर डर के कभी नहीं चलूँगा, निडर होके चलूँगा, आगे चलूँगा मैं, मेरे लक्ष्य को पाने के लिए कहीं पर रुकूँगा नहीं और हमेशा आगे बढ़ता जाऊँगा। तो ऐसे उनकी लालसा है, उनकी उनका जज्बा है हमारे पूरे हमारे देश को लेकर। मैं धूप में भी कड़ी मेहनत करूँगा और अपना पसीना बढ़ाऊँगा। मेरा पसीना जहाँ बढ़ेगा वहाँ खेत खलियाएंगे। मैं धरती पर पापियों को जन्म नहीं लेने दूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मेरी पवित्र मातृभूमि है और अगर कोई पाप करेगा तो उसको मैं फिनिश कर दूंगा और हमेशा आगे ही मैं बढ़ना जाऊंगा। मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा और इस दुनिया का बहुत ही प्यारा बनूंगा। मैं अपना तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा। तो ये सब जज्बा हमारे छोटे से नन्हे से बालक में है और हमेशा आगे ही बढ़ता रहूंगा। कोई बोलना नहीं चाहिए कि ये भारत देश से है इसलिए पीछे, ये भारत देश से है इसीलिए ये बच्चा आगे है। तो ऐसी भावनाओं से मैं अपने आप को सींचूंगा। तो बहुत बड़ी बात बोली है कवि ने यहाँ पे बच्चों, ये समझने वाली बात है। मेरे देश भारत शांति प्रिय देश है और इसका उल्लंघन कोई भी करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये उनका कहने का तात्पर्य है। और मैं सबको प्यार और व्यवहार इतना अच्छे से रखूंगा, करना सीखूंगा कि अगर कोई मेरे घर आ रहा है कि मेरे देश में आ रहा है तो उनको मेहमान की तरह रखना है, उनको बेइज्जत नहीं करना है, उनको अच्छे से रखना है ताकि वो दोबारा भी आ सके। मैं दुनिया में कभी कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा और इंसानियत को आगे बढ़ाता हुआ हमेशा आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। अगर
बम गिरे तो मैं अपने आप पे झेल लूँगा। आपने अगर कोई पिक्चरें देखी है, मूवीज़ जहाँ पे बच्चों आपको देखना है कि कहाँ पे उन्होंने देशभक्त लोगों को सिखाया है, तब आप देखोगे कि खुद वो बम झेल लेते हैं, लेकिन दुनिया में किसी को भी वो बम के पीढ़ी में अपने आप पे बम गिरने नहीं देते हैं। तो आप देशभक्त के मूवीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से एक एक मूवी पैट्रोनाइज की गई है। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, तो यहाँ पे आपको ये जो अंडरलाइन किया है वो ऐड की करना है, मंजिल से पहले ना लूँगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, राही कैसा है, तो आपको लिखना है कि राही कैसा है, राही कैसा है, तो हमारा आंसर है सी, राही नन्ना मुन्ना है, राही नन्ना मुन्ना है, नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, ए जय हिंद है ना, तो ये नारे वो लगाता है क्योंकि उनको पसंद है, उनमें एक भारत भूमि का जज्बा है उनमें, इसलिए वो सबको बोलता है। नन्ना राही सिक्स वाला बच्चों, नन्ना राही रास्ते में कैसा कैसे चलेगा, नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। सेवन, नन्ना राही कहाँ दम लेगा, तो नन्ना राही अपने लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए दम लेगा, धूप में पसीने में बहाऊंगा जहाँ, तो ये पसीना बहाने की बात कर रहा है, बहाऊंगा जहाँ। फिर नाइन, नन्ना राही जहाँ पसीना बहाने की वहाँ हरे हरे बाग बगीचे लहराएंगे, तो राइट, धूप में टेंथ वाला, धूप में पसीना कौन बहाएगा, तो बी नन्ना राही धरती पर कौन जन्म नहीं लेगा, तो बी पापी। सो दिस इज इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज, लेट अस क्विकली सी द सेकंड पेज, देखेंगे बारहवां, नन्ना राही धूप में क्या करेगा, तो नन्ना राही धूप में पसीना बहाएगा। 13, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, धूप में पसीना बहाने से खेत खलिहान फसानी फसल में लहलाता और उठेगा। 14, नन्ना राही क्यों चाहता है कि धरती पर पापी जन्म ले, तो नन्ना राही देश के देश में शांति बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है कि कोई बुरा काम न हो और वह चाहता है कि धरती पर पापी जन्म ले, ठीक है, तो ये वो चाहता है। बड़ा हो के डैश का सहारा बनूंगा, तो क्या है सी देश, किसका सहारा बनूंगा, देश। तो 16, नन्ना राही दुनिया में आँखों का नूर बनेगा, तो रॉन्ग, आँखों का देश, देश की आँखों का तारा बनूंगा, नूर नहीं तारा बनेगा वो। 17 है, नन्ना राही किसका सहारा बनेगा, नन्ना राही देश का सहारा बनेगा। 18, कौन लोगों को आँखों का तारा बनना चाहता है, कौन लोगों की आँखों का तारा बनना चाहता है, मुन्ना नन्ना मुन्ना राही नन्ना मुन्ना राही लोगों की आँख का तारा बनना चाहता है।
राही हमेशा किस से ऊंचा रखना चाहता है? राही हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखना चाहता है। नन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा कैसे बनेगा? नन्ना राही दुनिया की आंखों का तारा देश का सहारा बनके बनेगा। शांति की डैश है मेरा यह वतन, तो बी माना नगरी। नेक्स्ट है 22 वाला है आंसर बच्चों। तो किसने दुनिया में बम गिराने नहीं देगा? रॉन्ग। तो किसान दुनिया में बम गिराने नहीं देगा, नहीं, ये हमारे सिपाही की बात चल रही जो नन्ने मुन्ने गा रहे हैं। 24 नन्ना राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? नन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश भारत को कहा है। राही सभी को क्या सिखाएंगे? राही सभी को प्यार से व्यवहार करने के लिए सिखाएंगे। नन्ना राही देश में क्या नहीं गिराने देगा? नन्ना राही देश में बम नहीं गिराने देगा। फिर है नन्ना नन्हे मुन्ने राही का नाम क्या है? ठीक है, हो गया ये। तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा। नन्हे राही नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। सी एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? सिंपल आंसर, मैं घायल न हूँ तो अंत तक जूझता रहा। तो मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है, सिंपल का आंसर यहाँ दिया है। तो वैसे आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे पेज नंबर 17 तक हमने किया है, तो 18 वाला पेज देखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर्स को। 5 बार हमारा कौन सा आंकड़ा है? 5 बार लिखना है और पढ़ना है, तो ही आपके दिमाग में जाएगा और राइटिंग अच्छे से आप लिख पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 18 के साथ।